तो भाई ये आशीष भाई हमारे रेस लगाने के लिए कह रहे हैं FZ25 से। नहीं नहीं नहीं, ओ भाई ये क्या है, ये तो भाई पूरी फड़फड़ा गई। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल नॉर्थ राइडर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम टेस्ट राइड लेने वाले हैं स्वाट प्लेन की, और ये जो बाइक है भाई 250cc की है और 2020 एडिशन है। तो आज इस बाइक को चला के देखेंगे हम कि बाइक कैसी चलती है चलाने में। ये पहली बाइक होगी जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर आ रही होगी, क्योंकि इससे पहले मैंने ये बाइक कभी राइड नहीं करी। तो आज मैं बताऊंगा कि भाई इस बाइक का टेस्ट कैसा है और ये चलाने में कैसी है, अपने को पसंद आती है या नहीं आती, और छोटी मोटी इसकी ओवरऑल लुक्स दिखा देता हूँ आपको। एक 360 व्यू में देख लो आप, WP के सस्पेंशन है, सामने LED हेडलाइट, LED इंडिकेटर्स, और देखने में तो यार सुंदर सी लग रही है, मतलब एक कॉम्पैक्ट सी बाइक लग रही है, छोटी सी लग रही है देखने में। देखते हैं इसको बाइक को चला के। और भाई पीछे इसके टेल लाइट वगैरह कुछ दी नहीं, एक ये थोड़ा सा मफलर टाइप दिया हुआ है कवर टाइप। बाकी आगे बताते हैं इस बाइक के बारे में, थोड़ा सा इसको चला के देखते हैं। छोटी मोटी चीज़ें और फीचर स्पेसिफिकेशन तो सब लोग आपको बताते रहते हैं। ये लिया मैंने सेल्फ, और भाई ये लगा दिया, गियर इंडिकेटर भी है भाई, अच्छा है। कंसोल गोल है, छोटा सा कॉम्पैक्ट है बिल्कुल, गोप्रो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है ना। चलो चलो चलो, और ये हमारे लॉकेट ट्यूब Z900 ले ली उन्होंने, छोटी सी बाइक कॉम्पैक्ट सी बाइक। हैंडलिंग देखते कैसी है इस बाइक की, ब्रेकिंग सिस्टम, हैंडलिंग, बॉडी बैलेंस, ये चीज़ें भाई बहुत ज़रूरी हैं बाइक के अंदर चेक करनी। सीट बड़ी हार्ड है, ऐसा लग रहा है यार पत्थर पा के बैठ गया हूँ। चौथे गियर के अंदर हूँ मैं 49 की स्पीड पे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक थोड़ी सी भगा के ब्रेक लेते हैं, इसके ब्रेक टेस्ट करते हैं कैसी है। वैसे तो ये नेकेड बाइक है, लेकिन भाई राइडिंग पोस्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हल्का सा लीन हो रहा हूँ मैं, हल्का सा झुक रहा हूँ, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली दो वेरियंट है इसके अंदर, एक आता है ये स्वाट प्लेन और एक आता है विट प्लेन। तो ये वाला जो मॉडल है ये अपना नेकेड है, और जो दूसरा है इसका विट प्लेन वो शायद कैफे रेसर है। सन्नी भाई जिनकी बाइक है वो कह रहे कि भाई मेरे को वैसी बाइक बनानी है, थोड़ा सा मेरे को लीन होके बाइक चलाने में मज़ा आता है। तो मैंने बोला भाई ये क्यों ले ली फिर, अगर लीन होके चलाने में मज़ा आता तो दूसरी वाली बाइक ले लेता। खैर कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। अभी चल रहे हैं हम 6th गियर में, और RPM रेंज क्या आ रही है ये भी देख लेते हैं 6th गियर के अंदर। और ओहो नॉकिंग करने लग गई, सिंगल सिलेंडर के अंदर भाई नॉकिंग की सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है। अभी मैंने इसको 5वें गियर में डाला था, 5वें गियर में डाल के मैं थ्रॉटल दे रहा था तो नॉकिंग करने लग गई बाइक। इंजन के अंदर वाइब्रेशन तो है भाई, अब देखो KTM बजाज, और अगर ये विट प्लेन वगैरह कौन सी है ये कंपनी, अब देखो KTM बजाज या हस्क्वर्ना बजाओगे तो भाई वाइब्रेशन तो मिलेगी इसमें, कूट कूट के भर भर के वाइब्रेशन मिलती है KTM के अंदर भी, हस्क्वर्ना में भी और बजाज में भी। ये मैं बुराई नहीं कर रहा भाई, जो ड्रॉबैक हैं वो सारे बता रहा हूँ, इसमें कोई बुराई वाली या कोई निगेटिव थाट में मत लेना कि भाई के बंदा बुराई कर रहा है इस चीज़ की, बुराई वाली कोई बात नहीं है ठीक है, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। ये चल रहा हूँ मैं लगभग 4000 RPM पे 6th गियर के अंदर, 60 की स्पीड है, और बाइक में है नॉकिंग भाई, बाइक नॉकिंग कर रही है। इसी का कंपैरिजन अगर मैं करूँ भाई ड्यूक 250 से, तो सेम इंजन है, सब कुछ ट्यूनिंग व्यूनिंग सब कुछ सेट है, सेम है, लेकिन उसके अंदर नॉकिंग नहीं है, इसमें नॉकिंग है हल्की फुल्की। रेस लगाओगे? तो भाई ये आशीष भाई हमारे रेस लगाने के लिए कह रहे हैं FZ25 से। अरे भाई साहब FZ25 का पिकअप तो इससे ज्यादा लग रहा है नहीं नहीं नहीं, ओ भाई ये क्या है, ये तो भाई पूरी फड़फड़ा गई, बहुत हल्की बाइक है भाई ये तो। आओ भगाने के मतलब की बाइक नहीं है भाई ये, ना भगाने के मतलब की बाइक नहीं है, पावर तो है बाइक के अंदर, और हाई रेव पे जाके वाइब्रेशन भी कम हो जाती है, और लो रेव पे वाइब्रेशन है, पावर अच्छी खासी है, 30 BHP के आसपास पावर है, तो यार चलने में ठीक ही होगी, और वो कहाँ 20 BHP के आसपास, और 5 स्पीड है उसमें, इसमें 6 स्पीड है लिक्विड कूल्ड, तो भाई फ़र्क तो होगा, लेकिन फिर भी अच्छी खासी टक्कर दे रही है। बट ये बाइक भगाने के मतलब की नहीं है भाई, ना लीन करने के मतलब की है, हल्का सा लीन करा तो बाइक टेढ़ी मेढ़ी हो गई एकदम। देखो हर बाइक के अंदर कोई ना कोई एडवांटेज होता है, कोई ना कोई डिसएडवांटेज होता है, कुछ ना कुछ प्रोस होते हैं और कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं, तो भाई ये दोनों चीज़ें जब तक प्रोडक्ट के अंदर नहीं होंगी तब तक बंदा
कैसे बताएगा कि इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं। अभी तक मेरे को इसको राइड करते करते लगभग 20 किलोमीटर के आसपास हो गए हैं, 15-20 किलोमीटर मैंने इसको राइड कर लिया। बाकी सामने कंसोल की बात करें तो कंसोल ऐसा दिखाई देता है बाइक का। और भाई एक चीज़ और बता दूँ, ये बाइक घूम गई है लद्दाख। बंदा हमारा जो इसे लेके गया था वो बता रहा था कि भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इस बाइक का, मतलब कि हाई एलिवेशन पे भी, हाई अल्टीट्यूड एरिए में भी काफ़ी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस देती है, परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं होता इसका, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी भाई थर्ड गियर में भी वाइब्रेशन है। मेरे को इस बाइक के अंदर कुछ अच्छा लगा और कुछ बेकार लगा, मैं आपको बता देता हूँ मेरे को क्या इस बाइक में सही लगा और क्या बेकार लगा। देखो इसकी जो सीट है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, आप लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवलिंग करोगे ना इस पे तो वो नहीं कर पाओगे, मतलब कि 100-150 किलोमीटर में ना तुम्हारे बम दुखने लग जाएंगे, कूले दुखने लग जाएंगे। दूसरा नेकेड बाइक है, राइडिंग पोस्चर लेकिन वाला नेकेड वाला नहीं है, जो एकदम बिल्कुल कंफर्ट होता है ना वो वाला कंफर्ट राइडिंग पोस्चर इसका नहीं है। तीसरा इंजन जो है इसका वो लो रेव पे वाइब्रेशन क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा, हाई रेव पे भाई वाइब्रेशन नहीं है बाइक के अंदर, लेकिन हमेशा हाई रेव पे ही नहीं चल पाएगा बंदा, उसको सिटी के अंदर राइड करनी है तो भाई 50-60 की स्पीड पे भी चलना पड़ता ही है, जैसे कि मैं चल रहा हूँ, ठीक है। दूसरा भाई ज़्यादा हाई स्पीड में आप इसको नहीं भगा सकते, मैंने अभी रेस लगाई थी आशीष भाई से, मैं इसको जैसे ही लीन कर रहा था तो भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी बाइक, बहुत मुश्किल से मैंने इसको कंट्रोल करा। मैं एक बार को घबरा भी गया था कि भाई बाइक गिर ना जाए, लेकिन मैंने संभाल लिया बाइक को। तो ये कुछ भाई खामियाँ हैं जो मेरे को समझ नहीं आई बाइक के अंदर, जो मेरे को सही नहीं लगी, ठीक है। और भाई कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को इसके अंदर बहुत पसंद आई, जैसे कि भाई इसकी लुक्स है, इसकी लुक्स आप देखोगे भाई एक नंबर लुक्स है बाइक की, और कॉम्पैक्ट साइज़ है, बिल्कुल छोटी सी बाइक लगती है देखने में, सिंगल बंदे के हिसाब से बढ़िया है। और फ्रंट की लुक्स भी मेरे को बढ़िया लगी इसकी, सीट हाइट अच्छी लगी मेरे को इसकी, सीट की बात नहीं कर रहा सीट हाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस बाइक की अच्छी लगी, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी है। टायर सेक्शन बढ़िया लगा मेरे को, आगे का टायर सेक्शन भी है पीछे का भी, USD4 के बाइक के अंदर ये भी बढ़िया चीज़ है। और भाई बाकी सब यही चीज़ है यार जो मतलब के मेरे को इस बाइक के अंदर पसंद आई। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ भाई, इस बाइक का जो सेल्स फिगर है वो बहुत कम है, बहुत कम बिकी है बाइक। ये एक स्पेनिश मशीन है लेकिन इंडिया में बहुत कम बिकी है बाइक, और इसको जो सेल करता है वो करता है KTM। देखो अगर मैं अपनी बात करूँ, मतलब कि पर्सनल एडवाइस दूँ आप लोगों को अपनी कि भाई बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस बंदे को थोड़ी सी पावर चाहिए, मतलब 30 BHP के आसपास पावर चाहिए, तो वो इस बाइक को ले सकता है। बाकी भाई अगर इस बाइक को किसी दूसरी बाइक से कंपेयर किया जाए, जैसे कि MT-15 हो गई और Duke 250 हो गई, तो मेरे हिसाब से Duke 250 और MT-15 बेटर ऑप्शन है इस बाइक से। बाकी भाई प्राइस पॉइंट पे आ जाते हैं, यामा का प्राइस पॉइंट जो होता है और जो जापनीज मशीन होती हैं उनका प्राइस जो होता है वो इन बाइकों से ज़्यादा ही होता है। बस KTM और हस्क्वर्ना वगैरह बजाज वगैरह अपने प्राइस पॉइंट की वजह से ही खेल जाती हैं, कम प्राइस में पावर ज़्यादा मिल जाती है, तो ये सारी चीज़ें इन बाइकों को आगे निकलने में इनकी हेल्प कर देती हैं। बाकी भाई अगर इसका कंपैरिजन किया जाए Duke 250 से और MT-15 से, तो भाई MT-15 और Duke 250 बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से। ये कि भाई अगर कोई बंदा 250cc की बाइक लेने की सोच रहा है तो वो हस्क्वर्ना की जगह Duke 250 पे जा सकता है। बाकी इसके कंपैरिजन में एक Dominar 250 भी आती है, Dominar 250 से इसका कंपैरिजन बनता नहीं है, MT-15 आती है, MT-15 150cc की बाइक है, लेकिन MT-15 पे आप जा सकते हो क्योंकि MT-15 जो है इसके कंपेयर में भाई सीट भी उसकी सॉफ्ट है, सीट हाइट भी बढ़िया है, हैंडलिंग बहुत बढ़िया है भाई उस बाइक की। इस बाइक की मेरे को हैंडलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो यही सारी छोटी मोटी चीज़ें थी भाई जो इस वीडियो में मैं आपको कवर करके बता रहा हूँ। मैं अपना भाई देखो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी या नहीं आएगी, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम ये बाइक चलाई है, उसके बिहाव पर मैं आपको उसके एक्सपीरियंस में मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ये बाइक नहीं चलाई थी। और मैं सोच रहा था कि यार एक बार वीडियो बनाई जाए हस्क्वर्ना पे, तो ये अपने दोस्त के पास ही थी, कभी कभी उसके पास टाइम नहीं होता था, कभी मेरे पास टाइम नहीं होता था, आज उसके पास भी टाइम था मेरे पास भी टाइम था, तो मैंने सोचा भाई वीडियो शूट कर ली जाए, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी इस बाइक के अंदर, कुछ मुझे पसंद आया कुछ नहीं पसंद आया, जो नहीं पसंद आया वो भी शेयर कर दिया, जो पसंद आया वो भी शेयर कर दिया। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, बट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।